बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ सिला रहमी करता हूँ, वो क़ता रहमी करते हैं, मैं उन पर एहसान करता हूँ, वो मेरे साथ बुराई का मामला करते हैं, मैं हर मामले में तहम्मुल से काम लेता हूँ, वह जहालत पर उतर आते हैं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये सब कुछ सही है तो तुम उनके मुंह में खाक डाल रहे हो, यानी वो ख़ुद जलील होंगे और तुम्हारे साथ अल्लाह जल्ला शानहू की मदद शामिल हाल रहेगी जब तक तुम अपनी इस आदत पर कायम रहोगे। एक शख्स ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़ किया कि अफजल तरीन सदका क्या है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुग्ज़ और कीना रखने वाले रिश्तेदार के साथ हुस्ने सलूक करना। एक हदीस में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वारिद हुआ है कि जो शख्स ये पसंद करे कि कल क़यामत में उसको बुलंद मकानात मिलें, उसको ऊंचे दर्जे मिलें, उसको चाहिए कि जो शख्स उस पर ज़ुल्म करे उससे दरगुज़र करे, जो उसको अपनी अता से महरूम रखे उस पर एहसान करे, और जो उससे ताल्लुकात तोड़े उससे ताल्लुकात को जोड़ ले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें अव्वलीन और आखिरीन के बेहतरीन अखलाक बताऊँ। मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर इरशाद फरमाएँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम्हें अपनी अता से महरूम रखे उसको अता करो, जो तुम पर ज़ुल्म करे उसको माफ़ करो, और जो तुमसे क़राबत के ताल्लुकात तोड़े उसके साथ ताल्लुकात जोड़ो। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि आदमी खालिस ईमान तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक ये काम ना करे कि अपने से ताल्लुक़ तोड़ने वालों के साथ ताल्लुकात जोड़ ले, अपने ऊपर ज़ुल्म करने वालों को माफ़ करे, अपने को गालियां देने वाले को बख्श दिया करे, और जो अपने साथ बुराई करे उसके साथ भलाई करे। अल्लाह ताला हम सबको इन इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।